नमस्कार जी, एसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग साहेबगंज चौकीदार का क्लास ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। टोटल 12 लेक्चर है जिसमें से हम लोगों ने साहेबगंज जीके को कंप्लीट किया है। और आपको पता है साहेबगंज चौकीदार में टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं, और 50 क्वेश्चन में अगर जनरली देखा जाए तो 25-25 का बाइफरकेशन होता है। ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आपका जीके से पूछे, 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से पूछे। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो जीके है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, और जो पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पे पूरा का पूरा ही फ्री पढ़ाया है। लेकिन अब बात आती है हमारी जिम्मेदारी की, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लिए हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, और उनका सिलेक्शन मेरा प्रायोरिटी है कि नहीं। तो मैंने क्या किया है कि जितना भी ये पूरा क्लासेस मैंने करवाया है, टोटल 12 लेक्चर उसके करवाया है, उससे पूरा का पूरा मैंने MCQ यहाँ पे तैयार किया है, खुद से तैयार किया है। ये सेल्फ प्रिपेयर्ड है, ना कि कोई किताब से। मेरे एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी आपको कोई किताब से नहीं मिलेगा, और मेरा भरोसा कीजिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे वो करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएंगे। तो जो सेकेंड मेरा PDF होगा GK पर, वो आपका करंट अफेयर वाला होगा, साहेबगंज का जो करंट अफेयर होगा उसके लिए। और इसके साथ साथ जो कोठा वाले हैं, कोठा वाले के लिए ऑलरेडी क्लासेस तो मैंने खत्म कर दिया है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, उसके लिए भी MCQ का PDF यहाँ पे आएगा। और साथ में उसके साथ में मैं क्या करूँगा, टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में मैं टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज भी यहाँ आ जाएगा एकदम सेम पैटर्न पर। मेरे को लगता है कि 4 से 5 सेट यहाँ पे बनाऊंगा, मोटा मोटी 5 सेट, 5 से ज़्यादा का जरूरत नहीं है, और फीस बहुत कम रहेगा, 50 रुपये से अंदर कम रहेंगे, ताकि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएँ और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएँ। अब बात करते हैं PDF का, तो आप देखिए मैं PDF आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये PDF मैंने तैयार किया हुआ है, इसमें अभी आपको 110 क्वेश्चन के पास मिल जाएंगे। इसमें अगर आप देखिएगा तो जो कहीं कहीं डेटा गलत हुआ था उसको मैंने यहाँ पे सुधार के डाल दिया है। जैसे कौन कौन सा डेटा आप देखिए, जैसे 38 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसका क्षेत्रफल के बारे में है, तो क्षेत्रफल में देखिए जो मैंने बताया था 1702 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 2063 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि 2063 रहे और 1702 रहे, ये दोनों में से कोई एक ही आपको रहेगा, दोनों में से कोई आपको एक ही वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन और ऐड किया है, जैसे राजमहल विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक कौन है, तो अनंत कुमार झा है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैंने जितना पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन मैंने डाला है, जैसे साहेबगंज जिला समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन डाला है, है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन जिसका डेटा पहले गलत था तो उसको भी आप सुधार लेंगे, साहेबगंज जिला के अंतर्गत कुल कितने पुलिस स्टेशन है, तो मैंने आपको 12 पढ़ाया है लेकिन एक्चुअली में वो 13 है, मैंने उसको अगले लेक्चर में करेक्ट भी किया है। तो क्वेश्चन बनाने से वही होता है कि आपको एक्चुअल डेटा क्लियर होता है, है ना। तो क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका PDF आप लोग निकाल लीजिएगा, प्रिंटेबल है ये वाला, मैंने प्रिंटेबल बनाया है, 6 पन्ने का PDF है दोनों साइड करके, मतलब टोटल 12 पेज है, तो आपको 6 पेज में प्रिंट आउट हो जाएगा, तो 12-15 रुपये में आराम से प्रिंट आउट कोई भी दुकान वाला दे देगा, आराम से उसको पढ़िएगा। लेकिन सिर्फ इसको पढ़ना से काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर देखिएगा उसके बाद इसको पढ़िएगा, ये बस आपका एक रिवीजन पर्पस के लिए काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जनगणना वाला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो जनगणना वाला क्वेश्चन में एक कैच आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैंने 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साहेबगंज का औसत साक्षरता दर कितना, औसत मतलब क्या हो गया आपका एवरेज, तो एवरेज जो आंसर आपका आएगा 42% आएगा, ये आपको हर जगह झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट में मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं बुक में क्या दिया गया है, साहेबगंज का कुल साक्षरता दर दिया गया, कुल टोटल अगर पूछे तो आपको आंसर देना है वहाँ पे 52.04, लेकिन इसका क्वेश्चन आने की संभावना कम है, तो जो संभावना है मैंने यहाँ पे दे दिया है और हर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किया है मैंने, जैसे साहेबगंज जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका होगा साहेबगंज, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये पूरा का पूरा PDF है MCQ का, बहुत ही बेहतरीन PDF है, इसको आप बार बार पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस कंपटीशन के दौर में, तो आपको सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास PDF मिलता है या कहीं कोई दोस्त आपको शेयर करते हैं, तो PDF से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये आप बात मान के चलिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में बहुत सारे PDF पड़े पड़े सड़ रहे होंगे अभी तक,
तो ये भी वहीं जाके सड़ जाएगा। लेकिन जब तक आपका दिमाग वो स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो दिमाग में जाने के लिए आपको पहले लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर में आपको पीडीएफ नोट्स पढ़िएगा तब आपका चीज क्लियर होगा, है कि नहीं? नहीं तो आप टॉपर्स की लिस्ट में नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा आपका मार्क्स कम आएगा या सिलेक्शन का चांसेस भी कम हो सकता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इतना कम फी मैंने किया हुआ साहिबगंज चौकीदार का, हालांकि मेरा फीस कम होता नहीं है क्योंकि मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ क्वालिटी में। इसलिए मैंने यहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 499 को मैंने यहाँ पे 199 कर दिया है, और उसके बाद से भी मैंने यूट्यूब में पूरा क्लास फ्री कर दिया है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी है मेरी अपने एनरोल स्टूडेंट के चलते, तो उनका जिम्मेदारी मुझे भली भांति निभाना पड़ेगा, है ना? तो अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से पूरा का पूरा फुल कोर्स आप कीजिए, वहीं पर ये पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। हालांकि अगर आप खुद से चाहे तो खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके खुद से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ में काफ़ी मेहनत लगा है, लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ उसको। और इसके बाद मैं जो साहेबगंज करंट अफेयर है उसका भी मैं पीडीएफ लेकर के आऊँगा, और जो कोरठा का है, कोरठा का पीडीएफ बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ बन रहा है कोरठा का। तो पीडीएफ बनने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको ऐप में टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दूंगा, एकदम सेट वाइज, एकदम सेम पैटर्न में 50 क्वेश्चन रहेगा, 5 से 6 सेट में वहां पे दे दूंगा, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए उसको बहुत अच्छी ढंग से। तो चलिए मिलते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप साहेबगंज चौकीदार का ग्रुप में जुड़ना ना भूले, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में लिखिएगा साहेबगंज चौकीदार, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, है ना? तो चौकीदार में लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप भी आइए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप भी दौर में शामिल हो जाइए। और कोई भी डाउट भी होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ऐप से रिलेटेड डाउट, कोई टेक्निकल इशू हो रहा है, हर तरीके के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।